लोकसभा में आज क्वेश्चन आवर के दौरान राहुल गांधी ने बैंकिंग फ्रॉड का मुद्दा उठाते हुए सरकार को घेरा और 50 सबसे बड़े विलफुल डिफॉल्टर्स का नाम बताने को कहा। राहुल गांधी ने कहा कि इंडियन इकोनॉमी बहुत बुरे दौर से गुजर रही है, हमारा बैंकिंग सिस्टम काम नहीं कर रहा है, बैंक फेल हो रहे हैं और मौजूदा आलमी सूरत हाल में और भी बैंक डूब सकते हैं। इसकी अहम वजह है बैंकों से पैसों की चोरी। मैंने पूछा था कि टॉप 50 विलफुल डिफॉल्टर्स हिंदुस्तान में कौन है, मुझे जवाब नहीं दिया गया, मुझे घुमा फिराकर जवाब दिया गया। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी कहते हैं कि जिन लोगों ने हिंदुस्तान के बैंकों से चोरी की है उनको पकड़कर लाऊंगा। मैंने पीएम से पूछा कि वो 50 लोग कौन है। मैंने पूछा था कि सबसे बड़े 50 विलफुल डिफॉल्टर हिंदुस्तान में कौन हैं? माननीय मंत्री जी, मुझे मुझे कोई जवाब नहीं दिया, मुझे मुझे घुमा फिरा के कुछ और बोला है, मगर जो 50 नाम हमने मांगे, जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं, आप प्रश्न पूछो ना। नहीं नहीं, थोड़ा बोलने तो दीजिए, आप मूल प्रश्न थोड़ा बोलने तो दीजिए, सेट तो करने दीजिए, सेट मत तो आप तो सेट तो करने दीजिए, आप प्रश्न पूछो। आप वकील मत बनो। प्रधानमंत्री जी कहते हैं, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जिन लोगों ने हिंदुस्तान के बैंकों से चोरी की है उनको मैं पकड़ पकड़ कर वापस लाऊंगा। तो मैंने प्रधानमंत्री जी के सरकार से उनके नाम पूछे, 50 नाम पूछे और वो जवाब नहीं मिला। आप तो मेरा पहला सवाल ये है कि उनके 50 नाम क्या हैं? जवाब में वजीर मम्लिकत बराए खजाना अनुराग ठाकुर ने कहा कि 25 लाख रुपए से ज्यादा का डिफॉल्ट करने वाले सभी लोगों के नाम वेबसाइट पर मुहैया हैं। इस दौरान उन्होंने यस बैंक के फाउंडर राणा कपूर और प्रियंका गांधी के बीच पेंटिंग सौदे को लेकर भी तंज कसा। अनुराग ठाकुर ने जवाब देते हुए कहा कि 25 लाख रुपए से ज्यादा का डिफॉल्ट करने वाले सभी लोगों के नाम सीआईसी की वेबसाइट पर मुहैया है, इसमें छिपाने वाली कोई बात नहीं है और कुछ लोग अपने किए गए गुनाहों को दूसरे के सिर मरना चाहते हैं। 25 लाख रुपए के ज्यादा के डिफॉल्ट करने वालों की वेबसाइट पर जानकारी मुहैया है, अगर आप चाहते हैं तो मैं पढ़कर आपको बता सकता हूं। इसके जमाने में जो लोग पैसा लूटकर भाग गए, मोदी हुकूमत ने कानून बनाया और 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा वापस आए, हमारी हुकूमत ने उनकी प्रॉपर्टी जब्त की है। कुछ लोग अपने किए गए पापों को दूसरे सिर पर मरना चाहते हैं, वो हम होने नहीं देंगे। विलफुल डिफॉल्टर जो हैं, 25 लाख से ज्यादा वालों की जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध होती है, 25 लाख से ज्यादा की, और जो डिफॉल्टर 1 करोड़ से ज्यादा उनकी भी जानकारी होती है। और अगर आप नाम पढ़कर देना चाहते हैं तो सारे के सारे नाम पढ़कर आपके सामने मैं देने के लिए तैयार भी हूँ, सभा पटल पर रखने के लिए तैयार भी हूँ सर। और मुझे कुछ लोग सदन में आवाज मारकर कह रहे हैं कि जरा पोर्ट्रेट और पेंटिंग की बात करो। मैं राजनीतिक रूप नहीं देना चाहता कि पेंटिंग किसने बेची, किसको बेची, मैं वो भी कह सकता था किसके खाते में पैसा कहां पर गया।